नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 11 का स्टार्ट स्टेट चालू कर दिया था, जिसमें आज के दिन हम आपको कराने वाले बच्चों चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है केंद्रीय स्थिति का माप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और अभी एग्ज़ाम आने वाली है, उससे पहले आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जो बच्चे को बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिन बच्चों को लगता है स्टेट में डर लग रहा है, तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा और एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये आपका टोटल 13 नंबर का आने वाला है। ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा बच्चों? 13 नंबर का। मतलब ये चैप्टर सभी बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्लस काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, इसलिए ठीक है। और अगर बात करो बच्चों, तो कौन कौन से सेक्शन में पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करता हूँ सेक्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कौन से नंबर पे पूछा जाएगा। तो बच्चों, आपको जो पेपर मिलेगा ना, उस पेपर में जो तीसरे नंबर का जो MCQ होगा ना बड़ा, वो इसी चैप्टर का होगा। चैलेंज गारंटी फिक्स मतलब फिक्स। चलिए, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, कौन से नंबर पे देखने को मिलेगा बच्चों? 12वें नंबर पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर डी में, 2 क्वेश्चन आएगा 3-3 नंबर का, 6 नंबर हो गया। तो बच्चों, कौन कौन से नंबर पे आएगा? एक 28 नंबर पे आएगा और एक 29 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करता हूँ सेक्शन एफ, सेक्शन एफ बच्चों 1 नंबर का है, उसमें बड़ा स्टार दिया, इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का। वाह भाई, बल्ले बल्ले, मजा आ गया। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अपने को रेडी कर लेना है। कौन से नंबर पे आएगा? 38 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि इस चैप्टर में कितने मेथड हैं और कौन कौन से मेथड हैं, और हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो बच्चों, इसके अंदर आपको टोटल 4 मेथड देखने को मिलेगा, माध्य, मध्यिका, भूयिष्ठक, स्थानीय औसत माप, जिसमें मध्यिका, चतुर्थक, दशांक और शतांक। और बड़ा 2-3 मेथड और है जो मैंने लिखना भूल गया, जिसे कहेंगे बड़ा मिश्र माध्य, ठीक है। मिश्र माध्य भी यहाँ पर एक मेथड है, वो भी आपको कर लेना। भारित माध्य वो भी एक मेथड है, वो भी लिख लेना, ठीक है। तो 2 मेथड मैंने नहीं लिखा, उसे आप यहाँ पर समझ लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के दिन आपको मैं कराने वाला हूँ बच्चों माध्य। ये माध्य क्या होता है, माध्य का पूरा कॉन्सेप्ट और एक एक सवाल आपको कराता हूँ बच्चों, और जिस तरीके से मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताऊँ उसी तरीके से सॉल्व करना, 100% बच्चों आपको वो क्वेश्चन उसी टाइम पे सवाल समझ में आ जाएगा। और उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपको होमवर्क में दूंगा, चैलेंज है बच्चों, आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको, ठीक है। आज के दिन आपको पढ़ाने वाले हैं माध्य के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखो माध्य। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पर कंडीशन नंबर 1, जब सवाल के अंदर ओनली 4xi दिया गया होगा, तब आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना है, यानी जब अवर्गीकृत सूचना दिया गया हो तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है। ये सूत्र क्या है? x बार। x बार का मतलब क्या होता है बच्चों? माध्य होता है, मीन होता है, ठीक है। क्या सूत्र है? सिग्मा xi अपॉन में n। तो बच्चों अब आपको ये बता दूँ xi होता क्या है, xi दिखता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ, और उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं एग्जांपल नंबर 1।
देखो बच्चों, उदाहरण नंबर एक क्या लिखा हुआ है, एक गैरेज के प्रतिदिन मरम्मत कार्य किए गए स्कूटरों की संख्या की सूचना पर से प्रतिदिन मरम्मत किए गए स्कूटरों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से आप समझ लो बच्चों, माध्य बोला है। और मैंने बताया था ये जो इस तरीके से लिखा होता है ना बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्साई, मतलब ये एक्साई तरीके में एक्साई क्या हुआ है, लिखा हुआ है, इसी को हम बोलेंगे एक्साई। और बच्चों जब भी कभी एक्साई होगा तो आपको माध्य का कौन सा सूत्र लगाना है, बच्चों अभी मैंने आपको बताया माध्य का कौन सा सूत्र आपको लगाना रहेगा, आपको बच्चों माध्य का ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा बच्चों, मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, अब आपको क्या निकालना है, माध्य। तो सूत्र क्या लगाएंगे बच्चों, माध्य का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। एक्स आई का मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स आई मतलब इन सभी का टोटल, कैसे टोटल मारेंगे बच्चों, तो 7 + 13 + 4 + 8 + 6 + 9 + 10 + 4 इन सभी का जोड़ करना है। जोड़ लिया बच्चों, फिर गिनो कितने, n, n मतलब होता है अवलोकनों की संख्या n, तो बच्चों गिनो कितने अवलोकन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 8 है तो लिखेंगे 8। अब बच्चों इन सभी को जोड़ के बताओ कितना आएगा, इन सभी को जोड़ के बताओ कितना आएगा बच्चों, जल्दी जोड़ो। तो यहाँ पर जोड़ के जोड़ोगे तो बच्चों कितना आएगा, 61 आएगा, बट्टे में क्या लिखेंगे, 8 बराबर। अब बच्चों इसमें इसको भाग दो, जब इसमें इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 7.625। अब बच्चों याद रखना, अगर बच्चों यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, अगर बच्चों यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी संख्या आ जाए तो इसके आगे क्या करना है, एक प्लस कर देना, तो कैसे लिखोगे, 7.63 आएगा, मतलब दो में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, कब, जब 5 या 5 से बड़ी संख्या आए तब। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, एक्स बराबर 7.63। तो यही होगा बच्चों स्कूटरों की संख्या का माध्य कितना आएगा, 7.63। अब बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% से सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों इसी मेथड से डिट्टो जैसे मैंने समझाया ना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना 100% आपको आ जाएगा, लेकिन शर्त इतनी है बच्चों, प्रैक्टिस आपको करना है। तो बच्चों कौन कौन सा होमवर्क करना है, तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, स्वाध्याय 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भी आपको कंफ्यूज मत होना, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों ये रहा, देखो ये भी क्या है, एक तरीके का एक्साई है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से सोल्व किया है। बच्चों ये वाले मेथड से सोल्व मत करना, जैसे मैंने सिखाया है उसी मेथड से सोल्व करना, चैलेंज बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। कैसे सोल्व करना है, मैंने अभी बताया था ये लाइन को क्या बोलेंगे, एक्साई, फिर अभी मैंने आपको सोल्व करा यहाँ पर नबड़ा, तो इसी तरीके से ये वाले मेथड से आपको सोल्व करना है, और चैलेंज बच्चों आपको इसका आंसर 100% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब करेंगे उदाहरण नंबर 3। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करो, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। 20 व्यक्तियों में से एक समूह उनका वजन का माध्य, तो बच्चों माध्य को कहते हैं एक्स बार, और 20 व्यक्तियों मतलब कि n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 20। आगे मालूम हुआ कि एक का वजन 45 किग्रा था, उसके स्थान पे मैंने 14 किग्रा ले लिया, मतलब मुझे लिखना था 45 और गलती से मैंने लिख दिया 54। तो बच्चों याद रखना, जो गलत होगा उन्हें हम क्या करेंगे, माइनस, और जो सही होगा उनकी जगह पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बोलो बच्चों सही हो गया, तो बच्चों यानी 45 किग्रा के स्थान पर 54 किग्रा ले लिया गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 54 किग्रा हमारा सही कीमत है और गलत कीमत हमारा 45 है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर गलत को हम क्या करेंगे माइनस और सही को हम क्या कर देंगे प्लस, फिर उसके बाद हमें सही माध्य निकालना रहेगा। तो बच्चों कैसे निकालना है चलिए यहाँ पर हम सिखाते हैं आपको, तो ध्यान से सीखना बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया, n बराबर 20 हो गया, x बार बराबर 55 हो गया और सही कीमत आपको दिया 54 और गलत कीमत आपको दिया है 45, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सीखना। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर माध्य का सूत्र लगाएंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से सीखो, तो बच्चों यहाँ पर देखो आपको माध्य कितना दिया है 55, तो यहाँ लिखेंगे 55, सिग्मा एक्स आई नहीं दिया है, एन आपको कितना दिया है 20। अब बच्चों ये इधर गुणाकार में इधर आएगा तो इधर भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार में, तो 55 गुणे 20 करेंगे तो सिग्मा एक्स आई कितना मिलेगा बच्चों, अब इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा 1100 आएगा, तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1100। अब हमें सिग्मा एक्स आई मिल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है सही माध्य निकालना है। तो सही माध्य कैसे निकालेंगे बच्चों, फिर से अब यहाँ पर लिखेंगे हम, अब हम सुधारा हुआ माध्य लिखेंगे, तो सुधारा हुआ सिग्मा एक्स आई, तो सुधारा हुआ सिग्मा एक्स आई कैसे निकालोगे बच्चों, सिग्मा एक्स आई बराबर आपके पास 1100 है। अब बच्चों याद रखना सही कीमत को हमें क्या करना है प्लस और गलत कीमत को क्या करना है माइनस। तो सही कीमत यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम गलत कीमत कितना दिया 45, तो गलत को हम क्या करेंगे माइनस और सही को क्या करेंगे हम प्लस। बस कैलसी में आपको क्या करना है बच्चों, सही कीमत कितना 1100 है उसमें से माइनस करेंगे 45 और प्लस करेंगे 54, कितना है बच्चों 1109, तो यहाँ लिखेंगे 1109 लिखेंगे, तो ये आपका आएगा सिग्मा एक्स आई। बोलो क्लियर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सुधारा हुआ माध्य, तो सही माध्य का सूत्र क्या होगा, वही सूत्र होगा सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। तो बच्चों सिग्मा एक्स आई आपको कितना दिया है 1109 और एन आपको कितना दिया है बच्चों 20, एक्स बार निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों, इसमें इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर आएगा 55.45 आएगा बच्चों, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए। तो बच्चों इसकी तरह जो क्वेश्चन है मैडम वो 3.2 का होमवर्क लिख लो, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी तरह ये सेम टू सेम बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको ईमानदारी से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, और भी क्वेश्चन अगर बड़ा स्वाध्याय के अंदर स्वाध्याय 3 में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बच्चों ये एग्ज़ाम में आपको सेक्शन डी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप का सवाल, क्योंकि आज इसी वीडियो के अंदर पूरा माध्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम चलिए बढ़ते हैं बड़ा तीसरे टाइप का माध्य, वो सीखने से पहले उसका बेसिक सीख लो बच्चों। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट टाइप का सवाल सीखने से पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। देखो जब सवाल के अंदर एक्स आई एफ आई अथवा वर्ग या एफ आई दिया गया हो तब आपको ये वाला सूत्र लगाना, मतलब वर्गीकरण सूचना के लिए असतत आवर्ती वितरण के लिए आपको ये वाला सूत्र लगाना है। ये वाला सूत्र कब लगाना है बच्चों, जब एक्स आई एफ आई हो या वर्ग या एफ आई। बच्चों माध्य के लिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही सूत्र बताया बच्चों, किताब के अंदर देखोगे ना सारे सवालों को अलग अलग मेथड से सॉल्व किया गया, पर बच्चों कंफ्यूज मत हो, ज़्यादा सवालों को ज़्यादा सूत्रों के मेथड से मत करो, नहीं तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे कब कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, इसीलिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसी मेथड से करना, 100% बच्चों आपका सवाल सही हो जाएगा और उससे आपका आंसर आएगा, पूरी चैलेंज पूरी गारंटी लेता हूँ बच्चों। तो एक्स आई एफ आई हो या वर्ग या एफ आई हो तो आपको यही सूत्र का इस्तेमाल करना है, भेजे में खोपड़ी में बेड़ा फिट कर लो, आपको इसी सूत्र का इस्तेमाल करना रहेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की
कोशिश करता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों, तो देखो बेटा, वहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। एक विस्तार के प्रति परिवार के बालकों की संख्या निम्नलिखित कोष्टक में प्रदर्शित की है, तो प्रति परिवार के बालकों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या बोला है? माध्य। लेकिन सवाल के अंदर क्या क्या दिया बच्चों? तो बच्चों इसको हम बोलेंगे xi और इसे हम बोलेंगे fi। अब देखो xi और fi दोनों दिया है, और बच्चों अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जिस भी सवाल के अंदर xi fi दिया हो तब आपको कैसे सोल्व करना है उसे हम ध्यान से सीखना है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व बच्चों? तो पहले xi और fi यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, और कैसे सोल्व करना है उसे मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करता हूँ मैं। देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, और एक्स्ट्रा एक कॉलम आपको रेडी कर लेना रहेगा। कब? जब माध्य निकालना हो तब। सवाल में बड़ा xi fi दोनों आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा आपको बनाना रहेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो fi लिखा है ना, इस fi का टोटल मारो। जब इन सभी fi का टोटल मारोगे बच्चों तो कितना आएगा? इनका टोटल आएगा बच्चों, इनका टोटल आएगा 52 आएगा, क्लियर। चलिए इसी को हम बोलेंगे सिग्मा fi। चलिए ये तो निकल गया, अब हमें क्या निकलना है? सिग्मा fi और xi, सिग्मा fi और xi, यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों? गुणा करेंगे। तो जीरो का गुणा हम चार में करेंगे बच्चों, क्या आएगा? जीरो आएगा, कैलसी के अंदर आप करते रहो, ठीक है। चलिए आठ का गुणा एक में करेंगे, कितना आएगा बच्चों? आठ आएगा। 23 का गुणा दो में करो बच्चों, कितना आएगा? 46 आएगा। 8 का गुणा 3 में करो 24। 6 का गुणा 4 में करो 6 चौक 24। फिर 3 का गुणा 5 में करो बच्चों, कितना होगा? 15 होगा, क्लियर। अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों, टोटल मारो कैलसी के अंदर, तो कितना आएगा? 117। इसी को बोलेंगे सिग्मा fi xi बोलेंगे, क्लियर बच्चों। बस इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा fi xi कितना दिया बच्चों? 117 भागे क्या करेंगे? 52 x बराबर। बस बच्चों इसमें भाग दो, भाग देने पे कितना आएगा बच्चों? भाग देने पे आएगा 2.25। यही क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों परिवार के बालकों की जो संख्या का जो माध्य बच्चों वो कितना आएगा? इतना आएगा। आइयो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक ही वीडियो में आपका पूरा माध्य का टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इस टाइप का कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों हैं और इसी मेथड से करना, जैसे मैं करवा रहा हूँ इसी मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो बच्चों कौन कौन सा क्वेश्चन है? तो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6 और 3.1 स्वाध्याय 3.1 का तीसरा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप उदाहरण नंबर 5 देखोगे, उदाहरण नंबर अगर 5 देखोगे तो देखो इसमें भी क्या दिया है? xi, इसमें भी दिया है fi। तो हम इस वाले मेथड से कर लेंगे। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे एग्जांपल में बच्चों, यहाँ पर आपको इस वाले मेथड से दिया है, लेकिन आपको ये वाले मेथड से नहीं करना। कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने सिखाया है उसी मेथड से आपको करना है, मतलब एक ही फॉर्मूला से सारे सवालों को सॉल्व करना, और एकदम इजी हो जाएगा बच्चों। सोल्व करो तो खरी, ट्राई तो करो, कोशिश तो करो बच्चों, ठीक है। तो ये वाले मेथड से मत करना, जो मेथड मैंने आपको सिखाया अभी यही वाले मेथड से आपको सोल्व करना, ये वाले मेथड से, ठीक है। तो 100% बच्चा आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। अगर सवाल के अंदर वर्ग दिया गया हो और fi दिया गया हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी हम एक बार सीख लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट टाइप का सवाल सीखेंगे जिसके अंदर वर्ग भी दिया है और fi भी दिया है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। और इसको ये जो ऐसे टाइप का लिखा होता है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं वर्ग। तो यानी ये वर्ग वाला है, क्लास जिसे कहते हैं,
और बच्चों इसे हम बोलते हैं एफआई। अब सवाल के अंदर वर्ग और एफआई दिया गया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व वैसे ही करना है मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन मतलब मैं उसी मेथड से उसी सूत्र से करवाऊंगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो चलो बच्चों, यहाँ पर वर्ग और एफआई दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर वर्ग और एफआई दिया तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ये जो एफआई है पहले इसका टोटल मार दो। तो एफआई का टोटल मारोगे बच्चों तो कितना आएगा टोटल मारने पे, मुझे टोटल मार के दिखाओ। इन सभी का टोटल मारो बच्चों, जब इन सभी का टोटल मारोगे तो कितना आएगा 110 आएगा, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर मैंने एक कॉलम और ऐड किया जिसका नाम है एक्साई, क्योंकि एक्साई निकालेंगे तभी तो एफआई एक्साई का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक्साई निकलेगा कैसे, तो बच्चों निकालना एकदम सिंपल तरीका है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बच्चों ऐसे निकालना, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है 0 और 10, तो बच्चों हम क्या करेंगे 0 में क्या करेंगे 10 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 + 10 कितना होगा बच्चों 10 होगा, और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा बच्चों 5 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे हम 5। अब एक काम करो बच्चों, देखो सब में वर्ग क्या है 12, कितने कितने का अंतर है, तो सब में 10-10 का अंतर है बच्चों। सब में अगर 10-10 का अंतर, तो इसमें क्या करो 10-10 जोड़ते जाओ, 5 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 15, 15 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 40, 40 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 40 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर, यहाँ पर 10 का अंतर है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो 20 का अंतर है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम 20। बच्चों नहीं पता चले क्या करना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर, जैसे 60 कैसे आए तो 50 + 70 डिवाइड बाई 2, तो हम क्या करेंगे 50 + 70 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आ गया 60। नहीं पता चले बच्चों दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो आपको एक्साई निकल जाएगा। बच्चों एक्साई निकालना आ गया, उसके बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं ध्यान से सीखो, फिर हम क्या करेंगे एफआई और एक्साई का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 5 × 15, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों उसके बाद हम 14 और 15 का गुणा करेंगे, 14 × 15 करेंगे कितना होगा 210। फिर हम 32 × 25 का करेंगे बच्चों कितना होगा 800। फिर 40 × 40 का करेंगे कितना होगा बच्चों 1600। फिर 21 × 60 करेंगे बच्चों कितना होगा 1260। बस अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों, सभी का टोटल मारो कितना होगा 15 + 210 + 800 + 1600 + 1260, तो बच्चों यहाँ पर कितना आ रहा है 38, 85, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लेकिन बच्चों टेक्स्ट बुक में देखोगे अलग मेथड से सॉल्व किए हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ उसी मेथड से आपको सारे सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 38, 85 भागे करेंगे बच्चों यहाँ पर हम 110। अब बच्चों 38, 85 में हम क्या करेंगे भाग देंगे 110 का, तो कितना आएगा बच्चों, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 35/31, नहीं यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ 35/38। अब बच्चों यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें क्या करेंगे एक में एक जोड़ देंगे, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों x = 35.32, मतलब एक में एक जोड़ देने का कितना आएगा बच्चों 35.32 इसका राइट आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कौन कौन से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से सीखना। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, और बच्चों जो उदाहरण नंबर 9 है
सॉरी 8 है, इसको कैसे सोल्व करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद 3.1 का चौथा, पांचवा और छठा और सातवां। फिर उसके बाद विभाग ई का चौथा, सातवां। फिर विभाग एफ का दूसरा और चौथा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। कौन से मेथड से सोल्व करना बच्चों? ये वाले मेथड से सोल्व करना रहेगा। तो माध्य का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ बच्चों, ये उदाहरण नंबर जो 8 है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए बच्चों मैं आपको उदाहरण नंबर 1 भी सिखा दे रहा हूँ। तो बच्चों उदाहरण नंबर 8 में क्या लिखा है, इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। लेकिन बच्चों यहाँ पर वर्ग नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया है, 420 से कम, 430 से कम, 440 से कम, 450 से कम, 460 से कम, 470 से कम। बच्चों जब भी कभी सवाल 4 से कम वाला आए ना, से कम वाला, तो हमें बच्चों इसको वर्ग कैसे बनाएंगे, तो बच्चों याद रखना, पहले देखो बेटा 420 430 कितने कितने का अंतर बच्चों, 10-10 का अंतर है। तो बच्चों 420 के बाद 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 410। तो हम वर्ग कैसे बनाएंगे, 410 से 420, फिर 420 से 430, 430 से 440, 440 से 450, 450 से 460, 460 से 470। देखो बन गया, वर्ग बन गया। अब बच्चों यहाँ पर fi कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली वाली संख्या है ना, पहली वाली संख्या वैसे के वैसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 14 में से 34 माइनस करेंगे बच्चों। देखो 14 में से 34 माइनस करेंगे कितना है बच्चों, 20। तो यहाँ पर आ गया 20। अब 34 में से 76 माइनस करेंगे, 34 माइनस 76 करेंगे कितना है बच्चों, 42। तो यहाँ पर आ गया 42। फिर 76 में से 130 माइनस करेंगे, 76 माइनस 130 कितना है बच्चों, 54। तो यहाँ पर आ गया 54। फिर 130 में से 165 माइनस करेंगे, 130 माइनस 165 कितना आया, 35। तो यहाँ पर लिखेंगे 35। फिर बच्चों 165 में से 180 माइनस किया, 165 माइनस 180 तो यहाँ पर आ गया 15। ठीक है बच्चों, अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो ये बन गया वर्ग और ये बन गया fi। अब वर्ग और fi, अब जैसे हमने सवाल सॉल्व किया था इस तरीके से, तो इस तरीके से सवाल हम सॉल्व कर पाएंगे। अब बचाओ बच्चों, सॉल्व कर लोगे, ईमानदारी से करना बच्चों, उदाहरण को उदाहरण की तरह मत करना मेरे प्यारे बच्चों, इस मेथड से करना जिस मेथड से मैंने आपको अभी सिखाया है। ठीक है बच्चों, और अभी एक क्वेश्चन और लेने वाला बच्चों, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। तो चलिए बच्चों लेते हैं और आपको सिखाते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं सेक्शन एफ का दूसरा क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% आने की चांसेस है। क्या लिखा है, दो ब्रांड ट्रायर के उनके उनके आयु से संबंधित तुलना करनी है, उनकी सूचना निम्नलिखित रूप में प्राप्त की गई है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया गया है, लेकिन इस सवाल में बच्चों आपको दो बार fi दे दिया है, दो बार आपको fi मतलब दो बार आपको माध्य निकालना पड़ेगा, एक बार ब्रांड ए के लिए एक बार ब्रांड बी के लिए। करना तो वैसे ही है, क्या निकालना है, माध्य के आधार पर बताना है किस ब्रांड का टायर सबसे अधिक टिकाऊ होगा। तो बच्चों चलिए माध्य निकालते हैं, और माध्य निकालने का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे ही करना है, बस फर्क इतना है बच्चों यहाँ पर दो बार fi दे दिया है, तो मतलब दो बार माध्य निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया, ये ब्रांड ए के लिए ये ब्रांड बी के लिए, यहाँ पर दो बार मैंने लिखा, क्यों, क्योंकि दो बार fi दिया है इसलिए। अब xi तो एक ही बार निकालना पड़ेगा, xi कैसे निकालना है बच्चों, मैंने आपको सिखाया था, इन दोनों को प्लस करके दो से भाग देना, तो 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बच्चों, 12.5। ठीक है, क्लियर। अब इसको कैसे निकालेंगे, 15 प्लस 20 दोनों को प्लस करेंगे, 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना है बच्चों,
17.5। देखो कितने कितने का अंतर बच्चों, 20, फिर यहाँ पर 5, मतलब 5-5 का अंतर, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 5-5 का अंतर है, मतलब इसमें 5-5 प्लस करते जाओ, झंझट ही खत्म, बार बार निकालने से अच्छा है। तो जैसे 17.5 है, उसमें प्लस करेंगे 5, कितना आएगा 22.5, फिर प्लस करेंगे 5, तो यहाँ पर आएगा 27.5, फिर प्लस करेंगे 5, कितना आएगा 32.5, फिर प्लस करेंगे 5, कितना आएगा 37.5। और दूसरा तरीका भी कैसा होता था, दोनों को प्लस करके, जैसे 35 + 40 डिवाइड बाय 2 आ गया 37.5। दोनों तरीका बच्चों, जैसे चाहो वैसे निकालो, ठीक है। चलिए एक्स आई भी निकल गया। अब बच्चों यहाँ पर दो बार ब्रांड ने लिख दिया FI FI। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम पहले वाले निकालेंगे, पहले इन दोनों का करते हैं, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों। चलिए गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे बच्चों, 12.5 गुणे 4 करेंगे, 12.5 गुणे 4 करेंगे बच्चों, कितना आएगा 50, फिर 17.5 गुणे गुणे करेंगे हम 7 से, कितना आएगा बच्चों 17.5 गुणे 7, कितना है बच्चों 122.5। ऐसे हम इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों का, चलो गुणा करके बताओ बच्चों कैसे आएगा, मैं गुणा करके यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो बच्चों यहाँ पर गुणा करके मैंने लिख दिया, फिर क्या करना है, इन सभी का टोटल मार्क यहाँ पर लिख दो, और इसका भी टोटल मार्क यहाँ पर लिख दो, इसका भी टोटल मार्क यहाँ पर लिख दो। अब उसी तरीके से इसका निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे इसका गुणा करेंगे किसके साथ, एक्स आई के साथ, यानी 12.5 का गुणा करेंगे 5 में, 12.5 गुणे करेंगे 5 का, कितना आएगा बच्चों 62.5, फिर 17.5 का गुणा करेंगे बच्चों 8 का, कितना आएगा 140, फिर 22.5 का गुणा करेंगे बच्चों 15 का, कितना आएगा 337.5, फिर उसके बाद गुणा करेंगे बच्चों 27.5 गुणे 5। चलिए बच्चों यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद यहाँ पर मैंने टोटल मार दिया, सब हो गए बच्चों, बस अब क्या करना है, सूत्र लगाना है बस। चलिए यहाँ पर सूत्र लगाते बड़ा, दोनों का ब्रांड ए ब्रांड बी, सूत्र लिख देते बच्चों। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए सिग्मा एफ आई कितना दिया बच्चों 670, तो 670 और ब्रांड ए का, ब्रांड ए का कितना दिया है 30 एक्स बार, तो बच्चों यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे भाग दोगे बच्चों, तो कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भाग देने पे आएगा बच्चों 22.33, कितना है बच्चों 22.33,000 किमी, ठीक है। तो यही होगा इसका पहले का आंसर, ब्रांड ए का कितना है बच्चों, ब्रांड ए का उत्तर कितना आ रहा है, एक्स बराबर 22.33,000 किमी। अब दूसरे का निकालेंगे, दूसरे का कितना दिया बच्चों 1057.5 भागे करेंगे 45। चलिए तो बच्चों यहाँ पर भाग दोगे, भाग दोगे कितना आएगा 23.5,000 किमी, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों यहाँ पर। अब उसके अंदर क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है किस ब्रांड का टायर सबसे अधिक टिकाऊ होगा, तो कैसे निकालोगे बच्चों ध्यान से सीख लो। तो बच्चों ब्रांड ए ब्रांड बी में से दोनों में से उत्तर किसका ज्यादा आ रहा है, तो बच्चों उत्तर ज्यादा आ रहा है ब्रांड बी का, तो ब्रांड बी क्या होगा सबसे ज्यादा अधिक टिकाऊ होगा। तो बच्चों लास्ट में यहाँ पर लिखना है, आपको मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख देना ब्रांड बी सबसे अधिक टिकाऊ होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से उत्तर ज्यादा बी वाले का आ रहा है, इसलिए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो बच्चों आज हमारा माध्य का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो बच्चों बाकी का क्वेश्चन, बाकी का नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अभी के लिए बाय बाय। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।